तेरे और मेरे बीच में जो भी आएगा ना, मैं उसे मार डालूंगी, मैं खत्म कर दूंगी उसे। दूर तो लगाने थे। अगर मेरी शादी हो गई तो हमारे रोमांटिक लाइफ खत्म हो जाएगा ना। मैं सब संभाल लूंगी। आ गया तुम्हारा सरप्राइज। काव्या, तू अब से काव्या नहीं, भाभी। तूने ये कैसे किया? मैं तुझे कभी नहीं खोऊंगी। लेकिन ये पता, तू मुझे और भैया को कैसे मैनेज करेगी? सब मैनेज कर लूंगी। सौहागरात वालीदार, मुझे तेरे साथ स्वागत मनाना है और बाद में तेरे भाई के साथ। क्या बात, माय ब्यूटीफुल ब्राइड। आपने तो सुना ही होगा, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। पर क्या आप लोगों ने ये सुना है कि औरत हूं, औरत से प्यार करती हूं? जी हां, आज की हमारी कहानी है लेस्बियन रिलेशनशिप पर। क्यों, सुनने में मजा आया? गुप्त गुनाह के इस नए एपिसोड में मैं आपकी और सिर्फ आपकी प्रिया गमरे आप सबका स्वागत करती हूँ। लेस्बियन रिलेशनशिप, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बारे में बात करने से कतराते हैं। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो लेस्बियन रिलेशनशिप मतलब दो लड़कियों का आपस में प्यार और शारीरिक संबंध होना। कहते ना कि प्यार अंधा होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि प्यार कितना अंधा होता है? नहीं मालूम ना? तो चलिए, आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि प्यार कितना अंधा होता है। गुप्त गुनाह, बंद दरवाजे के पीछे। काव्या, तुम? नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम इतना हाफ क्यों रही हो? बस कुछ नहीं, ये कहाँ है? अंदर है। अच्छा, चाय पियोगी? नहीं आंटी, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ठीक। दूर तो लगाने थे। कभी कभी ना मुझे बहुत टेंशन हो जाता है। क्यों? वही वाली बात है यार, शादी कर लो, शादी कर लो। वो चाहती है कि मैं पहले शादी कर लूं। तो भैया को पहले शादी करनी चाहिए ना। सुनो ना, अगर मेरी शादी हो गई तो हमारे रोमांटिक लाइफ खत्म हो जाएगा ना। तुझे मुझ पर विश्वास है ना? ऐसी वाली बात नहीं है। तो तू टेंशन छोड़ देना मेरे ऊपर, मैं सब संभाल लूंगी।
मतलब बैठ। अच्छा बाबा चल, कॉलेज के लिए बहुत लेट हो चुके हम, चल। क्या माँ, कितनी बार कहा दाल में इतनी ज्यादा मिर्ची मत डाला करो, पूरा खाने का टेस्ट खराब हो गया। खाना मैंने नहीं, तेरी बहन ने बनाया है। इसे बोल। क्या हुआ? दाल तूने बनाई? हाँ। अरे इतनी मिर्ची डाल दी? Shit, I'm sorry भैया, मैं ना फोन चला रही थी तो गलती से डल गया होगा। तू है ना, अपना फोन चलाना बंद कर और अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे, ओके? ओके ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो अभी? खाना खाओ ना। अच्छा बस अब झगड़ना बंद करो और मेरी बात सुनो। कल तुम दोनों को मेरे साथ मनीषा रेस्टोरेंट चलना है। क्यों माँ? सरप्राइज है भाई तुम दोनों के लिए। सरप्राइज? क्या सरप्राइज माँ? अरे बता दिया तू, सरप्राइज का क्या मतलब हुआ? कल मिल लेना तुम दोनों अपने सरप्राइज से। एक सेकंड, ऐसा तो नहीं है कि आपको ये दोबारा लड़का बुला रही हूँ मेरी शादी के लिए? एक मिनट में बताओ ना कौन है वो। अरे तुम दोनों इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? कल तुम दोनों को मेरे साथ मनीषा रेस्टोरेंट चलना है। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये दोबारा लड़का बुला रही हूँ मेरी शादी के लिए? सरप्राइज है भाई तुम दोनों के लिए। माँ 15 मिनट हो गए आखिर, कहाँ है आपका सरप्राइज और कितना टाइम लगेगा? हे भगवान, थोड़ी देर तो सबर करो तुम। माँ सच बताऊँ तो सबर मुझसे भी नहीं हो रहा है, बताओ ना क्या है सरप्राइज? देखो माँ, अगर अगले 5 मिनट में तुम्हारा सरप्राइज नहीं आया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। और मेरा कॉलेज है, मुझे कॉलेज भी तो जाना है। ठीक है रुको थोड़ी देर। लो, आ गया तुम्हारा सरप्राइज। नमस्ते काव्या, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, अब से काव्या नहीं, भाभी। एक सेकेंड, तो मतलब भैया के लिए ये सरप्राइज है? माँ कम से कम बता तो देती। क्यों, मैं आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ क्या? नहीं काव्या, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। नहीं नहीं बेटा, तुम तो पूरी तरह हमारे घर की बहू बनने लायक हो, है ना? वैसे माँ काव्या, मेरे मतलब काव्या नहीं, भाभी मुझे पसंद है, तो मेरे तरफ से तो हाँ है। आप लोग बोलो तो कल ही शादी करवा दे। ये सही है। और रमेश, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई, बोलो। देख, मैंने अपनी पसंद और सरप्राइज दोनों तेरे सामने रख दिया है, अब तुझे कुछ सवाल जवाब करना हो या कुछ पूछना हो तो पूछ ले, वरना आगे जाके मुझे ये मत कहना कि मुझे मिलवाया नहीं। मुझे तो लगता है कि भैया को काव्या बहुत पसंद है, क्या बोलते भैया, काव्या पसंद है ना? नहीं नहीं, हाँ मेरा मतलब है सही है ना, सबको पसंद है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो मतलब तुम्हारी हाँ है ना? वैसे माँ ये गलत बात है, आपने मुझसे इतना बड़ा सरप्राइज छुपाया और काव्या तूने मुझे नहीं बताया। एक मिनट, एक्चुअली काव्या के पापा का कॉल आया था मुझे, काव्या और रमेश के रिश्ते को लेकर, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि ऐसी बहू और ऐसा घर मुझे पूरे शहर में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। फिर तुरंत मैं इनके पापा से मिली, तुरंत हाँ कर दी, और तुम दोनों को सरप्राइज देने का प्लान काव्या का था। अच्छा तो ये बात है, इतना बेस्ट सरप्राइज,
अंकल आप लोग बैठिए, माँ मैं और काव्या भी आते हैं। बैठिए भाई साहब। बाप रे बाप, तूने ये कैसे किया, इतना बड़ा सरप्राइज। मैंने तो उससे बोला था ना कि मैं तुझे कभी नहीं खोऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पता तू मुझे भैया को कैसे मैनेज करेगी? वो सब तो मेरे पे छोड़ दे, मैं वो सब मैनेज कर लूंगी। लेकिन उसके पहले तुझसे मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। बोल। सुहागरात वलीदार, मुझे तेरे साथ सुहागरात मनाना है और बाद में तेरे भाई के साथ। पागल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया और अरे पर अच्छा ठीक है, सॉरी ट्राई करूंगी। मेरे तो पक्का ही है ना। ठीक है। पता नहीं कहाँ रह गई ये पागल। हेलो, तू कहाँ है? अरे बस ऐसा लग रहा है कि शादी मेरी नहीं, शादी तेरी है। तू इतनी बिजी है? माँ के पास हूँ। जल्दी आ, इससे पहले तेरा भाई आ जाए। ठीक। क्या हुआ, किसका कॉल था, हैरान क्यों इतना? नहीं तो अब पापा का फोन था, वो पूछ रहे थे कि हम टाइम पे पहुंच गए ना। बस अच्छा पापा का कॉल था। वाह, पता है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल चांद की तरह। तो मैं वो कह रही थी कि आपके लिए दूध लाया है, आप पहले दूध पी लीजिए। चलो भैया, वो माँ की दवाइयाँ कहाँ रखी, मुझे बिल नहीं है। आप प्लीज ढूंढ दो ना, तब तक मैं भाभी के साथ बैठ जाती हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या बात, मैंने कहा था ना मैं प्रॉमिस करूंगी पूरा। मान गए, अब जल्दी आ जाए वरना तेरा भाई आ जाएगा। माय ब्यूटीफुल ब्राइड, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। चंद पलों की खुशियों के लिए काव्या ने एक ऐसी शादी रचाई जिसमें वो पत्नी तो बनी रमेश की, लेकिन प्यार रमेश की बहन प्रिया से करती थी। इस खतरनाक प्यार के चक्कर में प्रिया मदहोश हो चुकी थी और उसे अपने ही घर की बर्बादी दिखाई नहीं दे रही थी। अपने घर के संस्कारों को भूलकर प्रिया काव्या के साथ अपने ही घर में खुश रहने लगी थी। तो आइए आगे की कहानी में देखते हैं, क्या प्रिया और काव्या का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं। क्या बात है, कल तो दो दो सुहागरात मनाई तू। किसके साथ मजा आया, मेरे साथ या भाई के साथ? ऑब्वियसली
तेरे साथ। अच्छा तेरा भाई मुझे समझ में नहीं आया कुछ। काव्या ये जी जी हाँ। काव्या तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? अरे भैया काव्या मतलब भाभी सबके लिए चाय बना रही है, तो बस आप जाइए बेडरूम में आराम कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है, पता नहीं कल रात से मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो भैया मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊँ? नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा माँ कहाँ है? माँ शायद अभी सो रही है, अभी उठी नहीं। ठीक है उन्हें बोल देना ऑफिस में मेरा कोई क्लाइंट आ रहा है तो मुझे ऑफिस निकलना होगा। सुनिए ना मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं नहीं मैं ऑफिस की कैंटीन में खा लूंगा, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है ओके। पहुंच गए बाल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी आप सोई नहीं? अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, रात के 1 बज रहे हैं और इस वक्त तुम प्रिया के कमरे के पास क्या कर रही हो? वो प्रिया ने मुझे फोन किया था, उसको बहुत डर लग रहा था तो उसने बोला कि आज रात मैं उसके पास ही सो जाऊं। प्रिया डर? मैं देखती हूँ। नहीं माँ जी मैं हूं ना अब उसका ख्याल रखने के लिए, अब बिल्कुल परेशान मत होइए। अब आप दवा लीजिए और सो जाइए। अरे बेटा दवाई तो मैंने खाना खाने के बाद ही ले ली थी। तुम जाओ प्रिया के पास, मैं भी जाकर सो जाती हूँ। जी माँ जी। माँ जी ये अपने ऑफिस के काम में इतने बिजी रहते हैं, मुझे कभी घुमाने लेके जाएंगे भी या नहीं? बेटा अब ये बात तू रमेश से पूछेगी तो ही अच्छा होगा। प्रिया के पापा के जाने के बाद ना उस पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज्यादा ही आ गया है। मैं समझती हूँ। प्रिया की शादी करना भी बाकी है बेटा और उसके लिए पैसे जुटाने हैं, बस उसी के लिए पूरा टाइम मेहनत करता रहता है बेचारा। माँ जी प्रिया की शादी? प्रिया तो अभी बच्ची है, उससे पहले अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए। माँ भाभी ये देखो मेरा नया ड्रेस कैसा लग रहा है? देखा माँ जी मैंने बोला था ना कि अभी तक ये बच्ची है और आप इसकी शादी करवा रही थी। किसकी शादी की बात? कोई शादी वादी नहीं, पहले ये बताओ कि मेरा नया ड्रेस कैसा लग रहा है, जल्दी बताओ। माँ बताओ ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बस अब जा। बस कर दी ना रूखी सूखी तारीफ, आप तो रहने दो। भाभी आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हूँ। सच में? तो
फिर एक काम कीजिए, आप मेरे कमरे में मेरे फोटोज क्लिक कर देंगे? नहीं, पहले मैं मैम माजी के पैर दबाऊंगी, उसके बाद। अरे भाभी प्लीज 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 अभी अभी फोटोज क्लिक कर दीजिए ना। तू चली जा, नहीं तो तेरी जान खा जाएगी। वैसे भी अभी मुझे आराम करना है। चले, बस यही तो काम है मेरा। चलो चलो ना। तेरा मूड हमेशा बन जाता है ना मुझे देख के। मतलब मैं ही इस रिश्ते में थी, तुम नहीं थी। मजा सिर्फ मैं ही लेती थी, तुम भी लेती थी। भाई को अगर मालूम पड़ा तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे? हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता प्रिया। तेरे और मेरे बीच में जो भी आएगा ना, मैं उसे मार डालूंगी। तू सिर्फ मेरी है प्रिया, और अगर तेरा भाई भी आएगा ना, मैं उसे मार डालूंगी। गुप्त गुनाह के एपिसोड को देखने के लिए चलने वाला ओरिजिनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।